नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। लगातार हम आपको घग्गर नदी से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट जीरो से दिखा रहे थे। इस वक्त मैं राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर पर हूँ। हनुमानगढ़ के लिए सबसे बड़ी राहत है और आज हम जिक्र करेंगे राजस्थान सूबे यानी कि प्रदेश के लिए जीवनदायिनी की भूमिका निभाने वाली IGNP नहर की। आप कल्पना कीजिए, अगर इस बार की फ्लड में इस घग्गर में उठे उफान के आगे अगर इंदिरा गांधी राजस्थान नहर ना होती तो शायद राजस्थान में इस बार फ्लड के हालात कुछ और होते। ना सिर्फ हनुमानगढ़ को सबसे बड़ा खतरा होता बल्कि सिरसा और ओटू तक भी सबसे बड़ी तबाही होती। लेकिन ये सबसे बड़ा एक सक्सेस, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ओके टेस्टेड हुआ, जिसमें राजस्थान सरकार, इरिगेशन डिपार्टमेंट, यहाँ का जो कलेक्टर SP से लेकर तमाम जो अधिकारियों की एक ऐसी जुगलबंदी जिसने पहले से इस पूरे खतरे को भांप लिया था कि इस बार घग्गर बेहद उफान पर होगी। आपको सबसे पहले तस्वीर हम घग्गर की दिखाते हैं। आप हमने कोशिश की है कि आपको वाइड बहुत एक ड्रोन टाइप शॉट दिखाकर आप हम इसकी आपको तस्वीर दिखा पाएं। और सबसे बड़ी ये ऐतिहासिक बात है कि 20 सालों के इतिहास में IGNP का जो स्कैप स्ट्रक्चर था उसको पहली मरतबा खोला गया और इसमें 5100 क्यूसिक तक पानी है वो समा गया है। यानी कि जो राजस्थान में पानी जंक्शन की तरफ और सेमदाला में डाला गया था उसके पैरेलल ही जो 5100 यानी कि 5000 से ज़्यादा क्यूसिक पानी है वो इस IGNP जो इंट्रेक्टर था इसके अंदर डाला गया था। और इस कैप को खोलने के लिए बहुत बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। तो निश्चित तौर पर राजस्थान हनुमानगढ़ के लिए जो सूबे की जो इंदिरा गांधी फीडर है उसने एक जीवनदायिनी की भूमिका निभाई है। और निश्चित तौर पर ये हम सैल्यूट भी करते हैं तमाम डिपार्टमेंट अधिकारियों को कि जिन्होंने इतनी बड़ी भूमिका निभाई। और इसी राजस्थान फीडर की वजह से राजस्थान के अंदर जो बाढ़ का खतरा, जो 1995 जैसे हालातों से डरा राजस्थान, बहुत बड़ी तकरीब लगा रहा था कि आखिर किस तरीके से इस कार्य को सक्सेस किया जाए कि राजस्थान में इस जैसे कोई भी हालात पैदा ना हो। और निश्चित तौर पर जीवनदायिनी बनकर एक सहारा दिया और नहर में 5000 क्यूसिक पानी है वो डाला जा रहा है। एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए घग्गर के पानी को कम करने में सहयोग करने के कारण इस बार अलग ढंग से उपयोगी साबित हुई है। और भारी आवक की संभावना के चलते जिला प्रशासन ने 0 RD पर बने इंटैक्ट स्ट्रक्चर की सफाई करवाकर घग्गर का पानी इंदिरा गांधी फीडर नहर में निकालना शुरू किया था। और करीब एक सप्ताह तक यहाँ पर सफाई अभियान चला, क्योंकि यहाँ से जो कि हजारों टन मिट्टी को यहाँ से निकाल पाना असंभव लग रहा था, क्योंकि जैसे ही इसको 2002-03 में बनाया गया था उसके बाद इसको कभी खोला नहीं गया था और घग्गर हमेशा इसी दोनों साइफनों से जो कंबाइंड होकर राजस्थान की तरफ बहती थी। लेकिन इस बार इस जरूरत को पहले से महसूस किया गया था, जो कि हरियाणा की तरफ से भी इंडिकेशन था कि इस बार बाढ़ बहुत बड़े लेवल पर होगी, फ्लड का पानी जो लेवल पर आएगा। और उसी के ध्यान में आप इसके पीछे कैमरामैन आपको दिखाएंगे पूरी राजस्थान कैनाल, उत्तर भारत की सबसे बड़ी ये नहर है और ये पूरे राजस्थान की लाइफ लाइन इसको कहा जाता है। और इसी नहर के अंदर जो अब फ्लड का पानी डालकर इस संकट को टाल दिया गया है। तो निश्चित तौर पर आप कल्पना कीजिए, इस बार हनुमानगढ़ जंक्शन तो क्या, जिस तरीके से पाकिस्तान तक पानी पहुंचा है और ऐसे में एक जीवनदायिनी का सहारा बनी इस IGNP ने, इतना काम आसान सिर्फ ना सिर्फ राजस्थान के लिए किया बल्कि हरियाणा के ओटू से आगे के तमाम ऐसे करीब 30 ऐसे गांव थे जिन पर खतरा सबसे बड़ा मंडरा रहा था। क्योंकि जिस तरीके से 2010 में बनी के अंदर पानी पहुंचा और कई गांव इफेक्टेड हुए और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जो भूमिका के तौर पर IGNP के ऊपर मोहर लगी है कि यहां पर इस बार जो फ्लड का पानी था वो इसी IGNP के थ्रू आगे किसानों के लिए भी पहुंचा। क्योंकि जब ये नहर बंद थी तो ऐसे में जो फ्लड का पानी है वो किसानों के लिए बहुत बड़ा एक उपयोगी साबित हुआ है। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। और घग्गर से जुड़ी हर अपडेट के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो कीजिए।